हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूप्स लाइव। हाँ जी, तो आज हम केंट के आटा एंड ब्रेड मेकर में लगाएंगे चपाती का आटा। इसके अंदर हम लोग वैसे तो पूरी का आटा जो ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे पास पूरी का आटा ऑप्शन है, वो भी लगा सकते हैं। अगर पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो उसका जो डो है वो भी बन जाता है, लेकिन हम जो नॉर्मल रोटी घर में बनाते हैं उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन है चपाती वाला आटा। तो ये वाला आटा जो है जिसके हम अंदर लगा के देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख ली हैं। यहाँ पर हमारा जो ब्रेड पैन है ये मैंने बाहर निकाला है, और ये हमारा है जी ब्लेड। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हमारा जो ब्लेड है इसे फिक्स करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हमारा गेहूँ का आटा। तो जैसा आटा आप घर में लगाते हैं क्वांटिटी, उसी हिसाब से जो है हम इसके अंदर डाल लेंगे, ठीक है जी। तो बस इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी घी। आप चाहे तो यहाँ पर ऑयल भी लगा सकते हो, डाल सकते हो इसके अंदर, मैं घी लगा रही हूँ। अब बारी है पानी डालने की। तो पानी जिस हिसाब से हम लोग घर में आटा नॉर्मली लगाते हैं ना, उस हिसाब से हमें इसके अंदर जो है वो पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पर जो 3 कप जो है वो लिया था आटा, और 1.5 कप जो है मैंने अपना पानी डाला है, जिस तरह से मैं आटा लगाती हूँ, ठीक है जी। तो बस अब इस पैन को हम करेंगे इसके अंदर सेट। तो इसे सेट करने के लिए हम पहले इसका लीड ओपन करते हैं, और इसे थोड़ा सा टेढ़ा रखना होता है अंदर स्लाइटली, और ये इस तरह से सेट हो गए। अब इसे हम करेंगे बंद। अब हम स्विच करते हैं ऑन। तो जैसे ही स्विच ऑन होता है यहाँ पर ऐसा हमें बीप साउंड आएगा, और तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नंबर 1 सिलेक्टेड आ जाता है। तो ये है हमारा मेन्यू बटन, और यहाँ से हम ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो चपाती आटा जो है वो है नंबर 11 पे, ठीक है जी। तो ये 8 मिनट का जो है वो टाइम लेगा, और बस यहाँ से हम इसे कर देंगे प्ले स्टार्ट। हम चाहें तो ये लिड ओपन भी रख सकते हैं और देख सकते हैं कि आटा कैसा गूंध रहा है। फर्स्ट टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि पानी कम ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आटा जो है जब मैं लगाती हूँ तो लिड जो है इसका ओपन ही रखती हूँ। जी तो आटा गुन गया है, 8 मिनट्स हो गए हैं। बीप साउंड आता है जब हमारा जो सर्कल कंप्लीट होता है, तो ये जो हमारी मशीन है बीप साउंड करती है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यस, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ कंप्लीट के सामने हमें यहाँ पर एरो मिल रहा है, ठीक है जी। तो इसे बंद करने के लिए, नॉर्मल लाने के लिए हमें ये जो हमारा ऑन ऑफ का स्टार्ट का बटन है इसे प्रेस करके रखना होता है, ठीक है। और ये बीप साउंड हुई, और ये नेक्स्ट फंक्शन के लिए तैयार है। तो चलो पहले इसे हम स्विच ऑफ कर देते हैं, और अब हम देखते हैं जी इसके अंदर आटा कैसा लगा है। जी बिल्कुल परफेक्ट, बस निकाल के देखते हैं अभी। तो जी आटा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा घी पहले, और थोड़ा सा मैं अपने हाथ पे लगा लेती हूँ ताकि जब आटा निकालेंगे ना तो थोड़ा स्टिकी स्टिकी से ना हो, और इसके अंदर भी अच्छे से रह जाए। तो ये हमारा पैन, और यहाँ से हम निकालते हैं आटा। ओके, बहुत बढ़िया जो है वो आटा लगा है। इमीडिएटली हम लोग रोटी बना सकते हैं इसके साथ, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ देर रखना पड़ेगा या थोड़ी देर के बाद इसे गूंदना पड़ेगा एक बार, कुछ नहीं, जस्ट परफेक्ट है ये आटा, और फटाफट से इसके साथ हम रोटी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा पैन देख सकते हो थोड़ा सा स्टिकी हुआ पड़ा है, तो इसे इसी तरह से इसका जो ब्लेड है निकाल के हम लोग सारा आटा निकाल सकते हैं। और इसे धोना भी बहुत आसान है, बस इसके अंदर हम लोग पानी थोड़ी देर छोड़ देंगे और ये जितना भी आटा लगा हुआ है साइड में ये पूरा निकल जाएगा। वह बहुत ही अच्छा लगा है आटा, और इसकी रोटियां भी ना बहुत अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती हैं। बाकी ये तो डिपेंड करता है कि हम लोग पानी का जो रेशो है वो किस हिसाब से लेते हैं, तो सबका अलग अलग होता है। तो मुझे तो जी ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है जी। एंड दूसरी बात ये है कि हमारा जो ब्रेड मेकर में ब्रेड शायद हम लोग कभी कभी बनाते हैं हफ्ते में 1 बार या 10 दिन, लेकिन आटा जो ऐसी चीज़ है जो हम लोग रोज़ ही लगाते हैं,
तो इसके लिए ये जो है थम्स अप है, बहुत बढ़िया आटा गूंथता है इसके अंदर, इसके अंदर पूरी का आटा भी लग जाता है, कभी वो बना के दिखाऊंगी आपको। एंड पिज्जा डो भी हो जाता है इसके अंदर, आई होप कि इसके अंदर वो फर्मेंटेशन वाला सारा प्रोसेस हो जाता होगा, कभी बनाऊंगी तो जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। सो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।